हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल देसी इकोनॉमिस्ट हिंदी पे। हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रही है, और अभी यह कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है और आगे आने वाले समय में यह मिड कैप की कैटेगरी में शामिल हो सकती है। तो हमारी कंपनी का नाम है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड। इस कंपनी का हाल ही में IPO आया है और IPO में लिस्टिंग के बाद से इस स्टॉक में हम लोगों को लगातार अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का IPO का प्राइस 40 रुपए के आसपास का था और लिस्टिंग इसकी 55 रुपए पर हुई थी, और अभी के टाइम पे स्टॉक 76-77 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और हम लोग बात करेंगे इसमें डिटेल एनालिसिस के बारे में नोवा एग्रीटेक के। नोवा एग्रीटेक की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कंपनी एक स्मॉल कैप की कैटेगरी में शामिल है। 647 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस हम लोगों को 70 रुपीज के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और स्टॉक की हम लोग बात करें IPO प्राइस की तो हम लोगों को 39 रुपीज से 41 रुपीज पर शेयर के आसपास का IPO प्राइस बैंड था, और इसकी लिस्टिंग हम लोगों को 55 रुपीज के आसपास देखने को मिली थी, और तभी से इसमें हम लोगों का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक 78 रुपीज का हाई लगा चुका है, और आज हम लोगों को 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है जिस वजह से स्टॉक 70 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ डिटेल्स के बारे में, और यहाँ पे हम लोग बात करें IPO डिटेल में तो 23 जनवरी 2024 को इसका IPO आया था। 25 जनवरी तक इसका IPO ओपन था, जिसमें कि हम लोगों को लिस्टिंग 31 जनवरी को देखने को मिला। IPO प्राइस बैंड 40-41 रुपीज के आसपास का था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने टोटल इशू साइज करा है 143 करोड़ का, जिसमें कि फ्रेश इशू है 112 करोड़, यानी कि कंपनी 112 करोड़ अपने बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाली है, और 31 करोड़ 81 लाख इन्वेस्टर्स जो पुराने हैं कंपनी के, उन्होंने अपने शेयर्स को बेचा है और वो अपने प्रॉफिट को बुक करके घर ले गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के बिजनेस में हम लोगों को देखने को मिल रहा है हैदराबाद में कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी और यह 15 साल पुरानी कंपनी है जो कि 2007 में एस्टेब्लिश की गई थी। और नोवा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऐसे फर्टिलाइजर्स जिससे कि किसानों को मदद मिल सके उनके क्रॉप्स को बेटर ग्रोथ दिलाने में, और यह मेनली प्रोडक्ट पर फोकस करती है, सॉइल हेल्थ पर, प्लांट न्यूट्रिशन पर और क्रॉप प्रोटेक्शन पर, जिससे कि फार्मर्स का एक बेटर क्रॉप प्रोडक्शन हो सके और उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। अगर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट रेंज कैटेगरीज में तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, बायो स्टिमुलेंट्स, बायो पेस्टिसाइड्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स और भी कई सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वह नोवा एग्रीटेक लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी नोवा एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। कंपनी के टोटल प्रोडक्ट 629 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो 147 करोड़ का यहाँ पे एसेट देखने को मिल रहा था 2021 के मार्च पीरियड में, जो कि एक साल के बाद बढ़कर के 160 करोड़ हो चुका था, और अगर अभी देखा जाए 31 मार्च 2023 के पीरियड के हिसाब से तो 180 करोड़ का एसेट हो चुका है। यह कंपनी का रिजल्ट आने वाला है मार्च क्वार्टर के बाद, तो उसमें हम लोगों को कंपनी का असली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, जिससे कि कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को हम लोग जज कर सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, 160 से 185 करोड़, और 2023 में 210 करोड़ पहुंच चुका था, और यहां पे देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में हम लोगों को 103 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है और कंपनी का नेटवर्क भी काफी तेजी से इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ रेशियोज और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी 38% का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है इंडस्ट्री के हिसाब से, और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, 25% से ऊपर का है और 27% का देखने को मिल रहा है। बस दिक्कत वाली बात यह है कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज ज्यादा हो रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा का देखने को मिल रहा है, 1.11 का है। अगर कंपनी अपने बोरोइंग्स को कम कर लेती है तो कंपनी का फंडामेंटल काफी तेजी से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है 4.06 का, और अर्निंग पर शेयर हम लोगों को प्री IPO 3.14 का था, जो कि पोस्ट IPO 2.24 का है। यह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंताजनक बात होने वाली है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कम हो चुका है और PE की बात करें तो PE 13 से बढ़कर के 18 के पार जा चुका है, यानी कि कंपनी IPO से पहले कम वैल्यूएशन पर थी और IPO के बाद जब से इसकी लिस्टिंग हुई है इस वजह से कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और IPO में जिन्हें अलॉट हुआ होगा शेयर्स उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वक्त इन्वेस्टर्स को अगर कंपनी का शेयर खरीदना है तो उन्हें थोड़े से ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और अगर बात करें कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में तो यहाँ पे नोवा एग्रीटेक का हम लोगों को प्राइस काफी तेजी से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। लिस्टिंग 55 रुपीज 54 रुपीज के आसपास होते हुए नजर आई थी, उसके बाद से लगातार इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे हम लोगों को
5% का एक बहुत ही बड़ा लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है और आज एक हम लोगों को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है। हो सकता है 1 से 2 दिनों तक और भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन लगाएं तो कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है 300 करोड़ के आसपास का, जो कि यहां से हम लोगों को शेयर प्राइस में 50% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और यह कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस हम लोगों को 40 रुपीज के नीचे मिलता है तो यह एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी डील होगी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा और आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने की एक आइडिया ले पाए होंगे। और इस तरह से आप अपने किसी भी कंपनी का रिसर्च कर सकते हैं आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने को यह मिली होगी, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स या उसके मैनेजमेंट का एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है और उसमें आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मार्केट के हर एक लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देसी इकोनॉमिस्ट के बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।